सो गाइस आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आ चुके हैं हम एक और नई मूड क्राफ्ट की वीडियो लेके। तो आज सिंपल सा हमें एक काम करना है। सो मुझे अपना बेस को शो करना है, तो उस बेस को शो करेंगे। और ये मेरा मेगा बेस है, मेन वाला बेस है। तो अभी मैंने सामान शिफ्ट नहीं किया स्टोरेज रूम में, तो बाद में हम शिफ्ट कर देंगे। और अभी कुछ काम नहीं किया मैंने, तो मैं सो जाता हूँ और आगे से मैं दिखाता हूँ अपना जो बेस है, क्योंकि अभी मैंने पूरा बनाया नहीं है और पूरा किया अभी बस स्टार्टिंग में। तो एक काम, ओ सिर्फ मेरे को स्केल्टन ने मार दिया ऊपर से, तो इसलिए मैं नीचे गिर गया। तो एक काम करता हूँ, मैं ऊपर चलता हूँ फिर मैं दिखाता हूँ आपको। सो गाइस मैं ऊपर जा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे जो मतलब ऊपर जा रहा हूँ और ऊपर आ चुका हूँ, लेकिन जो स्केल्टन था वो मर चुका है, तो मुझे मारने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैंने एनविल लगा रखा है ताकि थोड़ा अच्छा लुक दे, और दे भी रहा है। और आगे जो है वो बैरल्स लगे हुए हैं, और ये मैंने वुड प्लैंक्स ऐसे लगा रखे हैं। खत ने लेफ्ट कर दिया गेम को, तो छोड़ो। और आगे जो ये बैरल्स है इसमें ग्रेवर रखे हुए हैं यहाँ पे, और इस वाले में आयरन रखे हुए हैं, इस वाले में भी आयरन रखे हुए हैं, और इस वाले में जो है वो बुक्स रखे हुए हैं, और इस वाले में कुछ भी नहीं है। तो बहुत सारा खाली भी है और बहुत सारा भरा भी हुआ है। ये नेदर पोर्टल है, बट नेदर पोर्टल में हम बिल्कुल नहीं जाएंगे क्योंकि मरना नहीं है। और ये हमारी स्मेल्टिंग टेबल है, जहाँ पे मैंने अपना नेदरराइट का आर्मर बनाया था। और ये मेरा एन्चेंटमेंट टेबल है, इसके लेफ्ट साइड में क्राफ्टिंग, और ये बेडरूम है जिसपे मैंने नॉर्मल सामान रखा था। सो ये जो नॉर्मल चीज़ है मेरे पास, और ये भी है, और ये भी है, और ये जो कबल स्टोन है जो मुझे यहाँ से मिले थे, मैंने थोड़े कबल स्टोन जो थे वो शॉप में भी रख दिए। और ये सर्कल बॉक्स वाला जो है ना, वो मेरा ऑर्डर है जो 193 ST कह सके आसपास में। और आगे का दिखाता हूँ, तो आगे जो है वो मेरा एन्चेंटमेंट रूम है, जहाँ पे मेरा फुल एन्चेंटेड आर्मर और टूल्स रखे हुए हैं जो मैंने कल एन्चेंट किया थे, क्योंकि ग्रेन करना पड़ा था इसके नेदर राइट के लिए, तो इसलिए किया था मैंने। और यहाँ पे सारा कुछ रखा हुआ है, यहाँ पे कुछ नॉर्मल चीज़ है जो इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी, लैपिस वैपिस। और आगे हम दिखाते हैं आपको। सो यहाँ पे कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है ज़्यादा चीज़ें, लेकिन ज़्यादा चीज़ें हमारे नीचे हैं, तो नीचे जाके दिखाएंगे। और यहाँ से सबसे पहले मैं इसके नीचे जाता हूँ, यहाँ पे मैं कूद जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने सीढ़ियाँ नहीं लगाई है, डायरेक्ट मैं वहाँ उसके ऊपर चला जाता था, तो कूद जाता हूँ, ज़्यादा हेल्थ डैमेज नहीं हुआ। अब यहाँ इस वाले नीचे वाले में ना एक प्रॉब्लम आ रहा है, एक मिनट में दिखाता हूँ। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे बनाऊँ ना, क्योंकि यहाँ पे स्लाइम स्पॉन हो रहे हैं, और अगर कोई भी बेस पे स्लाइम स्पॉन होंगे तो थोड़ा अजीब हो जाएगा। स्लाइम चंक यहाँ पे कहीं पे, तो इसलिए स्पॉन हो रहे हैं। बेसिकली मेरे को स्लाइम चंक नहीं चाहिए थे, तो इसलिए मेरे को मिल गए, पता नहीं कैसे। इतना बड़ा मैंने यहाँ पे खोद भी रखा है, और मेरे को पता नहीं स्लाइम कैसे मिले यहाँ पे, और स्लाइम यहाँ पे बहुत सारा स्पॉन भी होते हैं, तो इसके लिए मुझे स्लाइम बॉल भी मिल जाती है, तो इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ उसे। वहाँ पे हम मारते रहेंगे स्लाइम को, और बदले में हमें स्लाइम बॉल मिलते रहेंगे। तो एक काम करना, मैं ऊपर चल के अपना ऊपर वाला बेस दिखाता हूँ। अब मैं ऊपर आ चुका हूँ, और ऊपर का जो ये सीढ़ियाँ लगी, मतलब यहाँ पे मैंने सीढ़ियाँ नहीं लगाई, और ये जो सीढ़ियाँ लगी हुई हैं ये मैंने वुड्स से लगाई हैं। ऊपर से जाके मैं ऊपर से दिखाता हूँ सबसे पहले। सो जैसे ही मैंने बोला था, नीचे का भी कम्प्लीट नहीं हुआ है, तो ऊपर का भी कम्प्लीट नहीं हुआ है, ये बाद में कंप्लीट हो जाएगा ये। और नीचे से भी बहुत सारा काम है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी थोड़ी देर बाद, मतलब 2-3 दिन लगेगा इसको कंप्लीट करने में। नीचे वाले रूम देख रहे हो, तो इसमें जो है ना, इसमें हम अपना जो, मुझे पता नहीं मैं क्या बनाऊंगा, मैं सोच रहा हूँ स्मेल्टिंग वाला रूम बना लें, क्योंकि वो मैंने कहीं पर भी नहीं बना रखा है। और ऊपर वाले में मैंने अपना पोषण एरिया बना रखा है, तो ये वाला देख लो, इसमें जो हो गया वो हम सामान रखेंगे इस वाले बैरल में भी, और ये नेदरवार्ड्स हैं, और इसके आगे जो है वो रियल वाला सामान है जिस पर हम काम की चीज़ें रखेंगे। और ये जो है हमारा वर्किंग टेबल है, जहाँ पे हम काम करेंगे, जहाँ पे पोशंस बनाएंगे, और यहाँ पे सामान रखेंगे। सो यहाँ का जो दरवाज़ा था वो गायब हो चुका है, यहाँ पर दरवाज़ा ही नहीं है, यहाँ पर मैंने ही तोड़े होंगे, पता नहीं कब तोड़ा मैं, मुझे खुद ही याद नहीं। और ऊपर का जो रूम है वो स्टोरेज वाला है, ये मैं दिखाता हूँ एक मिनट। हाँ, स्टोरेज वाले रूम है ये, इस पर जो दरवाजे लगे हुए हैं, ये पूरा स्टोरेज रूम है, एक ही रूम से कनेक्टेड है, लेकिन अलग अलग चेस्ट एरिया हैं, तो इसीलिए अलग दरवाजे लगा रखे। यहाँ से नीचे सुसाइड भी कर सकते हो जब भी मन करे। और ये वाले जो एरिया है, ये यहाँ पर दरवाजे लगे हुए हैं,
यहाँ पे भी ये दरवाज़ा है और यहाँ पे भी, यहाँ पे भी जो नॉर्मल चेस्ट है कुछ भी नहीं रखा हुआ इसमें, सारी चीज़ें खाली हैं अभी फ़िलहाल। और आगे चल के हम इसको फिल कर देंगे अपना सामान ला के, जो मैंने बैरल्स में सामान रखे हैं वो भी यहाँ पे रख देंगे। और इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर हमारा जो ये बेड वाला एरिया है, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे मर जाता हूँ और यहाँ से चलेंगे अपने बेड वाले एरिया पे, क्योंकि मेरे पास हेल्थ भी कम है और फूड भी नहीं है अभी मेरे पास, तो इसीलिए थोड़ी ज़्यादा वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं चलता हूँ, वो जो ब्लू कारपेट दिख रहा है वही है बेड एरिया। मैंने अभी कुछ भी कंप्लीट नहीं किया है, अभी दो ही रूम कंप्लीट कर पाया हूँ। और यहाँ पे जो है वो कारपेट में एक काम करता हूँ, मेरे पास कारपेट नहीं है। और यहाँ पे जो है वो ये जो है ये जो रेड टाइप का, ये जो मैंने पीलो टाइप का बनाने की कोशिश किया है, ये वाला जो है ये मैंने कार वो जो ब्लैंकेट टाइप का बनाने की कोशिश किया है। तो एक काम करता हूँ, मैं नीचे आ जाता हूँ, नीचे एक बार फिर कूदता हूँ और सामान ले लेता हूँ। ओके ठीक है, एक मिनट, मेरी हेल्थ तो नहीं गई, पता नहीं कौन सा ग्लिच था, पता नहीं कौन सा ग्लिच था, ऐसा होता रहता है मेरे साथ, बहुत बार हुआ है, तो छोड़ो ये सब। और एक काम करता हूँ, मैं सब सामान ले लेता हूँ और ऊपर का जो एरिया है ना वो मैंने दिखा दिया है, लेकिन एक जो एरिया है मेरा बचा हुआ है, जो है हमारा तबीयत, एक पता नहीं यार बार बार ऐसा होता है, तो छोड़ो ये सब, बार बार सीरियसली होता है ये सब ग्लिच, पता नहीं क्यों हुआ फिर। तो मैंने जो है तबेला बना चुका हूँ, और तबेला मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि तबेला भी नॉर्मल है और मुझे तबेला भी दिखाना है, क्योंकि उसमें मैंने सामान नहीं रखा क्योंकि ग्लिच कर रहा था बहुत और गेम लैग कर रहा था। यहाँ पे जो नॉर्मल चीज़ें हैं और यहाँ पे फूड है, तो फूड एक मिनट में ले लूँ, फिर ले लेता हूँ एक स्टेक लेता हूँ। ये 16 क्यों लिया मैंने, तो मैंने दिखाने के लिए अलग अलग ज़्यादा रखा है, बाय द वे मेरे पास कम ही फूड है, तो मैं स्टोन भी ले लेता हूँ, उससे भी चढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि ऊपर है वो जो मेरा बेस है मतलब तबेला। और यहाँ से ले लेता हूँ नीचे वाले या फिर ऊपर वाले में। ओके मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से चलता हूँ। तो ये सेडल के साथ कितने अच्छे दिख रहे हैं सेडोस, तो ये बहुत ही अच्छे दिखते हैं सेडल के साथ। फेथफुल का सेडल है 128 x का, तो आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हो, मैं इस पर अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और आगे जो है वो तबेला है, जिसमें हमने सीप्स को और चिकन्स को रखा है, और लैग कर रहा था गेम, इसलिए मैंने आगे का कुछ भी काम नहीं किया। अभी ये 10% ही कंप्लीट हुआ है, मैं सोच रहा था आगे का भी काम करेंगे, लेकिन गेम लैग करने लगा इसलिए मैं आगे का काम नहीं करा, आगे का काम मैंने शुरू ही नहीं किया इसलिए मैंने नहीं किया। और यहाँ पे जो इसकी आधी हेल्थ थी इसलिए मैंने इसको मार दिया, और छोड़ो इसको, अभी इसको मैंने कंप्लीट नहीं किया थोड़ा सा भी, मतलब इस पर ज़्यादा काम नहीं किया, जब काम करना हुआ तो आगे से इस पर काम करेंगे थोड़ा अच्छे से, और इसे अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत बकवास दिखा इसमें। मैं कुछ और रूम्स हुआ वगैरह ऐड करके एक अच्छा सा मेंशन बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इसमें इतने वुड वेस्ट किए मैंने। तो अभी मैं चलता हूँ अपने हाउस पे मतलब बेस पे, और उस पर हम अपना आउटरो कर लेंगे, क्योंकि अभी रात भी हो रही है तो हमें सोना भी पड़ेगा, उसके बाद आउटरो कर लेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ मैं आउटरो अपना बेड पे करूँगा, जो मेरा मेकअप वाला बेड है उस पे कर लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा अच्छा भी दिखता है और सेडल के साथ और भी अच्छा दिख रहा है सब कुछ। तो मैंने जो फेथफुल का यूज़ किया उसमें जो क्लियर है ना एकदम बैठ जाता है, जिससे एकदम मस्त लुक आता है। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ी कारपेट लगा देता हूँ, एक मिनट, मेरे को एक आइडिया है कि इस कारपेट से ना मैं एकदम अच्छा सा लुक बना सकता हूँ, एक मिनट रुकना, हवा कारपेट देखो ऐसे। तो मैं काम करना हूँ इसको ऊपर चढ़ के और थर्ड पर्सन में आ जाता हूँ। ओके गाइस, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक बार बताता हूँ, ये मेरा जो नॉर्मल बेस था, पिछला वाला जो बेस था वो इसलिए मैंने हटा दिया क्योंकि वो स्पॉन और शॉपिंग एरिया के बीच में आ रहा था और ये रूल्स के खिलाफ थी, इसलिए मैंने हटा दिया। और मेन बेस में कुछ भी नहीं है, बस एक फार्म है, तो आगे देख लेंगे उसको।